हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाजिर आपके लिए एक और नई अपडेट के साथ। अपडेट से पहले, अपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में अपडेट लाया हूँ आपके लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक का। जी हाँ, इंडिया में जो है इलेक्ट्रिक बाइक के जो ऑप्शन फ़िलहाल काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं। 3 से 4 ऑप्शन जो आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, उनमें से एक है ओबेन रोर। जी हाँ, आपने कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में सुना होगा या कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर चल रहा है बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं तो आप ये डिसीजन बना सकते हैं इसको लेने का। तो सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है 4.4 किलोवाट आवर की जो है बैटरी पैक देखने को मिलता है। IDC रेंज इसके अंदर आपको जो है 187 किलोमीटर की आपको देखने को मिलती है। ये IDC रेंज है, रियल वर्ल्ड में आपको है 120 किलोमीटर की ही देखने को मिलने वाली है, जो रियल वर्ल्ड रेंज होने वाली है। 3 आपको इसके अंदर जो है राइडिंग मोड देखने को मिलने वाले, TFT LCD स्क्रीन होने वाली, कोई टच स्क्रीन इसके अंदर नहीं होने वाली, 10x10 नेविगेशन वगैरह ऐसे कोई भी फीचर आपको स्मार्ट फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। केवल आपको जो है बेसिक 3 मोड आपको देखने को मिलेंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह, ये जो है बेसिक फीचर जो इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलते हैं वही आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बात करें मोटर के पावर की, तो इसके अंदर आपको जो है 8 किलोवाट की पीक पावर वाली PMSM मोटर देखने को मिलती है, जिसका जो है पीक टोर आपको 53 न्यूटन मीटर देखने को मिलता है। बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो स्पोर्ट्स मोड में इसकी जो टॉप स्पीड आपको 100 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो है आपकी जो है राइडिंग पे भी डिपेंड करता है और आपके वेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना, उस हिसाब से जो है टॉप स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है वो आपको 100 किलोमीटर पर आवर की जो है इसके अंदर टॉप स्पीड क्लेम करती है, जो कि एक जो है डिसेंट आपको जो है सिटी राइड के लिए अच्छी है, और हाईवे राइड के लिए भी ये 100 किलोमीटर आपको इनफ देखने को मिलती है। ना ही आप इसको ज़्यादा जो है तेज फास्ट बोल सकते हैं, ना ही ज़्यादा स्लो बोल सकते हैं, जो है मीडियम रेंज के अंदर आपको देखने को मिलती है। बात करें इसकी जो है डिस्काउंट से पहले की प्राइस, तो डिस्काउंट से पहले की प्राइस आपको जो है 1,50,000 की जो है एक शोरूम देखने को मिलती थी, लेकिन जो है कंपनी ने अभी एक नया डिस्काउंट चलाया है, और वो भी बताऊंगा क्यों कंपनी ने डिस्काउंट चलाया है। क्योंकि जो EV बाइक सेल है उसके अंदर जो है ओबेन रोर काफ़ी आपको नीचे देखने को मिलती है, तो इसकी जो सेल्स काफ़ी कम हो रही है, तो कंपनी ने एक जो है ऑफ़र लेके आया है, जिसके अंदर आपको जो है 25,000 रुपये तक का जो है आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, और ये आपको केवल 15 अगस्त तक ही ऑफ़र देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये इंडिपेंडेंस ऑफ़र आपको देखने को मिलता है ओबेन रोर कंपनी की तरफ से उनकी इलेक्ट्रिक बाइक पर। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं ओबेन रोर इलेक्ट्रिक बाइक, तो आप जो है 15 अगस्त से पहले पहले परचेस कर सकते हैं, ताकि आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जिससे कि इसका एक्सशोरूम प्राइस हो जाता है 1,25,000 रुपये। इस प्राइस रेंज में जो आप कोई भी और दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं देखने को मिलती, और इसके अंदर जो है आपको डिसेंट से फीचर्स देखने को मिलते हैं, बढ़िया ग्राउंड क्लीयरेंस, 200mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है, और वो एक स्पोर्टी लुक के साथ आपको देखने को मिलता है। दोनों तरफ आपको फ्रंट एंड बैक जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। जो फ्रंट टायर प्रोफाइल है वो 17 इंचिस का आपको काफ़ी अच्छा टायर देखने को मिलता है। आप विड्थ की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है 100 सेक्शन का टायर मिलता है, और रियर के अंदर आपको 130 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण जो है आप अगर रूरल एरिया में भी रहते हैं तो ये जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, ब्रेकर वगैरह पे या गड्ढों में जो है कहीं नीचे से लगने वाला नहीं है, काफ़ी जो है अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है। इस प्राइस में जो है इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतनी आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। OLED सेटअप आपको देखने को मिलता है, इंडिकेटर, बैक लाइट, फ्रंट लाइट सभी आपको जो है OLED सेटअप ही इसके अंदर देखने को मिलता है, तो एक डिसेंट बाइक आपको जो है देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी भी आप मान सकते हैं काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक अपनी डेली कम्यूटिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो एक अभी के फिलहाल जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।